डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्निकल डू। तो कंट्रोल सिस्टम के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और इसमें हम लोग बस फार्मूला से लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है उसको देखेंगे। और ये टॉपिक जो होगा हमारा कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर का होगा, कंपेंसेटर एंड कंट्रोलर का ये टॉपिक होगा, ठीक है। अब बात निकल जाते हैं कि सर कंपेंसेटर क्या होता है। हमारा टॉपिक में, हमारे सिलेबस में है कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बस एक ओवरऑल फार्मूला देखेंगे और कैसे सिस्टम बनता है, ताकि आपको अगर पूछे ना तो आप वहाँ पे लिख पाओ, ठीक है। दो तीन चार नंबर का सवाल अगर पूछे तो आप बना पाओ वहाँ पे। तो लिखोगे इसमें सबसे पहले द कंपेंसेटर इज ए सब सिस्टम इन द मेन सिस्टम इन द मेन सिस्टम विच इज इंट्रोड्यूस्ड टू कॉम्पेंसेट ऑल द डिफिशियंसी ऑल द डिफिशियंसी प्रेजेंट इन सिस्टम, ठीक है। पूरा वीडियो देखोगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से समझ में तो आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद से क्या करता है, जितने डिफिशियंसी होता है उसको ये कंपेंसेट करता है, नाम से ही पता है कंपेंसेटर है। उसके बाद से लिखोगे ये करता क्या एक्चुअली में, द कंपेंसेटर इंट्रोड्यूस्ड इट्स पोल एंड जीरो इन द मेन सिस्टम इन द मेन सिस्टम विच विल चेंज ओवरऑल स्पेसिफिकेशन विच विल चेंज ओवरऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है सर, पोल और जीरो को इंट्रोड्यूस करता है, ये हमारा ओवरऑल स्पेसिफिकेशन सिस्टम का चेंज कर देता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं लीड कॉम्पेंसेटर की, बात करते हैं कि सर लीड कॉम्पेंसेटर हमारा क्या होता है। लीड और लैग दो पढ़ना है तो दोनों को पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखोगे द लीड कॉम्पेंसेटर द लीड कॉम्पेंसेटर इंट्रोड्यूस, ये पूछता है सवाल एग्जाम में, ठीक है, ए पोल एंड जीरो ऑन LHS एट रियल एक्सिस इन विच जीरो इज, ये पूछता है एग्जाम में कि जीरो हमारे नियरर किस में होता है, तो लीड में होता है, जीरो इज नियरर टू ओरिजिन, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में यही वाला पॉइंट रखना है सर, ठीक है। लीड में क्या होता है सर, जीरो इज नियरर टू जीरोज, यानी कि जीरो या बोलो जीरोज, बोलो जीरोज लिख लो, सबसे बेस्ट है, बेस्ट है, जीरोज हमारा होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है सर, हम लोग जो है ना कंपेंसेटर का ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं एस प्लस जेड सी बाई एस प्लस पी सी, क्लियर है हमारा। जीरोज हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है सर, जीरोज हमारा बन रहा है माइनस जेड सी, जब ऊपर वाले को जीरो से। पोल्स हमारे पास क्या बन रहा है सर, एक ही पोल है हमारे पास, माइनस पी सी, क्लियर है। अब क्या बोला है सर कि हमारा लीड कंपेंसेटर जीरोज को क्या करता है, नियरर टू ओरिजिन दिखाता है सर, ठीक है, क्लियर है। चलो सर हम लोग दिखाते हैं, चलो सर ये हमारा हो गया पोल और ये हमारा हो गया जीरोज। जीरोज हमारा नज़दीक रहेगा, पोल हमारा दूर रहेगा, यही बोलता है सर ओरिजिन से। ये हमारा इमेजनरी एक्सिस होता है, ये हमारा सर रियल एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर इसमें और एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया। अब सपोज कर लो यहाँ पे एक हम लोग छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं इसका ट्रांसफर फंक्शन का कि सर क्या निकल गया। सपोज जेड सी इक्वल टू माइनस वन बाई टाउ, मान लिया टाइम हमारा टाउ, तो जेड सी बाई पी सी को हम लोग मानते हैं सर अल्फा, एक कांस्टेंट वैल्यू से इसको रिप्लेस करते हैं और इस अल्फा का वैल्यू लेस देन वन होता है क्योंकि जेड सी हमारा क्या है सर, छोटा है और पी सी हमारा बड़ा है सर लेंथ वाइज,
ठीक है, आपको पता है जेड सी नियर टू ओरिजिन होगा, पी सी हमारा सर दूर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हो, ठीक है, ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर हम लोग जेड सी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई टाउ, तो पी सी निकल जाएगा सर, पी सी का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा हमारा, माइनस वन बाई अल्फा टाउ, ठीक है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे इसका डिराइव करने जा रहा हूँ, पूरा एग्जाम में 5 नंबर आपको ये दिला देगा अगर पूछ लिया तो, ठीक है, पूछ लिया तो 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म एकदम श्योर शॉट है। तो जी सी एस की जगह आप क्या पुट करोगे सर, एस प्लस वन बाई टाउ, जेड सी को हम लोग क्या मान लिए सर, वन बाई टाउ, पी सी हमारा क्या निकल के आया, अल्फ़ा टाउ, यानी कि टाउ अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन जो आता है अल्फ़ा वन प्लस एच टाउ डिवाइडेड बाई वन प्लस एच टाउ अल्फ़ा, एकदम वी वी आई है सर ये आपको वी वी आई है कैसे आता है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल ही ध्यान में रखोगे कितना आसानी से निकल के आ गया हमारा। ये टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म में, वन प्लस एच टी में, ये सर हमारा ट्रांसफर फंक्शन किस फॉर्म में, टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म में, इसको आप बिल्कुल ही ध्यान देना है आपको, इसको आपको बिल्कुल ही ध्यान देना। आगे मैं इसके अंदर कुछ भी डेरिवेशन नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है, बहुत सारे डेरिवेशन है, बहुत ही सारा डेरिवेशन है, ठीक है। अब डायरेक्ट इसके हम लोग फायदे देखते हैं सर कि इसका इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इसके ऊपर हम लोग आगे तो हम लोग देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ लीड कॉम्पेंसेटर, लीड कॉम्पेंसेटर का इफेक्ट क्या होता है सर। देखो आप लोग जो है ना स्टेट वेरिएबल एनालिसिस में स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी तीन टॉपिक मिनिमम देख के जाओगे, एकदम वी वी आई टॉपिक है, ठीक है। इसमें लिखोगे इट इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज मार्जिन सो रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब इसके पीछे बहुत सारा कहानी है, उसको मैं स्किप किया हूँ, तो आपको थोड़ा सा इसको समझना है, रट लेना है समझने के लिए, समझ लो, इम्प्रूव रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इम्प्रूव, ठीक है, यानी कि इसको आपको थोड़ा सा समझ के और एग्जाम में 5 नंबर के स्टेटमेंट पूछेगा तो सब कुछ भर दोगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करता है सर, ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज्ड विच गिव द रफ आइडिया ऑफ बैंडविथ ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये क्या करता है सर, सो बैंडविथ हमारा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिख सकते हो, राइज टाइम और बैंडविथ में इनवर्सली रिलेशन होता है, अगर बैंडविथ इंक्रीज करेगा तो हमारा राइज टाइम क्या होगा सर, रिड्यूस कर जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कि सर सो राइज टाइम ऑफ सिस्टम इज रिड्यूस्ड, यानी कि ट्रांजिएंट इम्प्रूव होगा, क्योंकि राइज टाइम अगर हमारा कम होने का मतलब क्या है सर, हमारा ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशन में टाइम कम रहने का मतलब कि स्पीड बढ़ रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारा इम्प्रूव हो रहा है, राइज टाइम ऑफ सिस्टम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। सो टाइम कम होने का मतलब सिस्टम हमारा फास्ट हो जाएगा, सिस्टम इज बिकम फास्टर, सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिव का ये सवाल है सर, सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पे अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि सर हमारा हमारा लीड कंपेंसेटर में क्या इम्प्रूव होता है, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव होता है, ठीक है। देखो सब चीज़ बहुत ही बेसिक है और सब कुछ आपको कहीं ना कहीं से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। टाइम हमारा डायरेक्ट वन बाई बैंडविथ है, ठीक है। सो टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ सिस्टम इज रिड्यूस्ड, टाइम कॉन्स्टेंट में हमारा रिड्यूस कर जाएगा ओवरऑल सिस्टम का टाइम कॉन्स्टेंट। उसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है कि सर ये किस फिल्टर की तरह वर्क करता है, एकदम ऑब्जेक्टिव सवाल है,
इट इज लाइक हाई पास फिल्टर, ठीक है। यहाँ तक आपको इसको ध्यान में रखना है सर। एक और फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन फाई एम का मैं फार्मूला, देखो एक मिनट वेट करो कि हमारा फाई एम का फार्मूला क्या लिखा हुआ है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चलो लिखते हैं इसको। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन फाई एम इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर आप सही से पढ़ते तो इसको मतलब मस्त पढ़ाता है, एकदम खतरनाक टॉपिक है सब, ठीक है। सातवां लिखोगे तो अल्फा यहाँ से क्या निकल के आएगा सर, 1 माइनस साइन फाई एम डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई एम। ये भी कभी कभी पूछेगा तो आप इसको भी बता सकते हो, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया किसके बारे में बातचीत, लीड कंपेंसेटर की बातचीत होगी। अब देखो कभी कभी क्या करता है ना कि सर हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पूछ लेता है लीड कंपेंसेटर का, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ लीड कॉम्पेंसेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का लीड कॉम्पेंसेटर हम लोग देख रहे हैं, लीड कॉम्पेंसेटर का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देख रहे हैं। सॉरी देखो ये कैसे होता है, मैं यहाँ पे इसको बना के इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन में डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको इससे ज़्यादा मैं आपके लिए भी नहीं कुछ कर सकता, इसका डेरिवेशन वगैरह मैं नहीं करा सकता, ठीक है। आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं टाइम आपका लॉस नहीं करना चाहता। ठीक है, ये हमारा है R1, ये हमारा है C1, ये हमारा है R2, ठीक है। यहाँ से हमको ट्रांसफ़र फंक्शन अगर लिखना होगा तो ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। बोलो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या आएगा हमारा, तो देखो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो होगा हमारा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल से ट्रांसफ़र फंक्शन लिख लोगे ना, बोलो लिख लोगे, तो इसका ट्रांसफ़र फंक्शन जो आएगा हमारा, इसको लिखोगे V0 बाई VI इज इक्वल टू S+1 बाई R1 C1 S+R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 C1, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो हम लोग जो है ना ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली क्या लिखे थे इसका, याद है आपको, याद है आपको, तो हम लोग एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन लिखे थे S+1 बाई टाउ और S+1 बाई अल्फा टाउ। अब कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा चीज़ निकलेगा, उसको देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कंपेयर करने पे R1 C1 इज इक्वल टू टाउ निकला हमारा, ठीक है। α टाउ इज इक्वल टू निकला हमारा R1 R2 C1 बाई R1 प्लस R2, क्लियर है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या निकल के आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है R2 बाई R1 प्लस R2, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अल्फा का वैल्यू, तो यहाँ पे इसको निकाल लोगे, ठीक है। ये अल्फा हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 ही होगा। किस केस में सर, लीड कंपेंसेटर के केस में, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब चलो देखते हैं लैग कंपेंसेटर के बारे में, अब देखते हैं लैग कंपेंसेटर के बारे में, लैग कंपेंसेटर के बारे में देखते हैं। देखो सिग्नल फ्लो ग्राफ का जो है ना मैसन्स गेन फार्मूला जरूरी पढ़ के जाना, वहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला देखो इसमें लिखो पॉइंट, लैग कंपेंसेटर, जब मेरा चार्जर तो निकला ही नहीं था, बट लैपटॉप से थोड़ा नॉइस आ रहा होगा। लैग कंपेंसेटर इंट्रोड्यूस ए पोल एंड ए जीरो इन विच पोल इज नियरर टू इमेजनरी एक्सिस, पोल इज नियर टू इमेजनरी एक्सिस। अब इसमें पोल हमारा इमेजनरी एक्सिस के नियर आ गया, बोथ पोल एंड जीरो लाई एट रियल एक्सिस LHS ऑफ एस प्लेन, ठीक है, क्लियर है। अब इसको ड्रॉ करते हैं सेम एनालिसिस जैसे हम लोग लीड के लिए किए थे वैसे लेग के लिए करेंगे। अब क्या बोला गया सर कि हमारा यहाँ पे पोल नियर होगा, जीरो हमारा दूर होगा, ठीक है।
यानी कि जीरोज को माइनस वन बाई टाउ दिखाया है, तो यहाँ से हम लोग जेड सी बाई पी सी, जेड सी बाई पी सी हम लोग बीटा मानते हैं, और इसमें हमारा सर बीटा ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ही ध्यान दोगे, यानी कि माइनस वन बाई टाउ इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा पी सी क्या निकल के आएगा सर, माइनस वन बाई बीटा टाउ, ठीक है। चलो सर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जी सी एस एस प्लस वन बाई टाउ, एस प्लस वन बाई बीटा टाउ। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना कि बीटा का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन वन होता है, बस इस आपको इतना ही ध्यान रखना है सर, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है सर, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग यहाँ पे इफेक्ट इसका देखते हैं, और आगे जैसे हम लोग एनालिसिस किए थे वैसे ही पढ़ते हैं सर, ठीक है। ठीक है, तो लिखो द इफेक्ट ऑफ लैग कॉम्पेंसेटर। पहचानो कैसे कि लैग होगा सर, लैग में हमारा देखो पोल नियरर टू इमेज ओरिजिन होगा या इमेजनरी एक्सिस होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से पहचानोगे, क्लियर है। सबसे पहले लिखोगे इसमें कि सर इट रिड्यूस द, देखो ये स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करेगा, स्टेडी स्टेट एरर सबका डेरिवेशन है, ठीक है। सो एकदम बेसिक पॉइंट, ये भी डिफरेंस पूछता है कभी कभी, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। दूसरा लिखो सर द गेन क्रॉस ओवर, फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड। तीसरा लिख लो जस्ट उल्टा, हमारा लैग लीड का उल्टा लैग हो जाएगा, बैंड विड्थ भी हमारा क्या होगा सर, ऑफ सिस्टम इज रिड्यूस्ड। एक याद रखो, दूसरा खुद से याद हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखो, राइज टाइम भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। छठा पॉइंट लिखो, ये हमारा जस्ट लाइक लो पास फिल्टर की तरह काम करता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं सब चीज़ें, तो आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद से साइन फाई एम का वैल्यू इसमें याद रखना, वन माइनस बीटा बाई वन प्लस बीटा, मैक्सिमम फेज का वैल्यू। अब एक और टॉपिक है इसमें ना हमारा, क्या टॉपिक है सर, कि सर ये इसमें आपको लिखना है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ लैग कंपेंसेटर, लैग कंपेंसेटर का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना है। देखो सर कैसे बनता है, पहले वाले केस में रेजिस्टेंस के बाद हमारे पास क्या लग रहा था सर, पैरेलल में कैपेसिटर, यहाँ पे लोड साइड में रेजिस्टेंस और लोड साइड में कैपेसिटर लग रहा है। ये हमारा वी नॉट हो गया, ये हमारा वी आई हो गया, आर वन आर टू सी टू, ठीक है। डायरेक्ट इसका ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लिखते हैं सर, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे टाइम टेकन होगा, उसका कोई काम नहीं है आपको, ठीक है। इसका हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन होगा वन प्लस आर टू सी टू एस, वन प्लस आर वन सी टू डिवाइड, सॉरी आर वन सी टू प्लस आर टू सी टू इन टू एस। इसको कंपेयर किससे करोगे सर, एस प्लस वन बाई टाउ, एस प्लस वन बाई बीटा टाउ। तो यहाँ से हमारा टाउ क्या निकल के आएगा सर, टाउ क्या निकल के आएगा बोलो, टाउ हमारा निकल के आएगा माइनस वन, माइनस वन तो नहीं होना चाहिए, टाउ हमारा निकल गया प्लस वन बाई आर टू सी टू। कंपेयर किए, ये फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किए ना हम लोग, ठीक है। टाउ टाउ सी हमारा जो निकल गया है, ये टाउ सी। चलो पी सी हमारा क्या निकल गया, वन बाई सी टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सी टू है ना, हाँ दोनों में सी टू है, चलो ठीक है सर। उसके बाद से हमारा
बीटा क्या था सर? जेड सी बाई पी सी। तो यहाँ पे इसको जेड सी भी बोल सकते हो ना, टाउ सी बोले जेड सी बोले, ठीक है चलो। कितना होगा सर ये? सी टू आर वन प्लस आर टू बाई आर टू सी टू, यानी कि बीटा का फॉर्मूला याद रखो यहाँ पे, आर वन प्लस आर टू बाई आर टू, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बीटा इसमें ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। अब कंट्रोलर की बात करते हो, कंट्रोलर में भी हमारा जो है ना तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, प्रोपोर्शनल, डेरिवेटिव, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलो एक बार देख लेते हैं, प्रोपोर्शनल के बारे में देखते हैं, कंपेंसेटर के बारे में देख ले क्या एक बार, टाइम बहुत कम बचा आप लोग के पास, ठीक है। तो कोशिश ये करना कि जितना इफेक्टिव चीज़ें हैं ना उसको ही ध्यान में रखना है। अब आपके आपसे अगर कोई पूछेगा कि सर फेज लीड फेज लैग के बारे में बताओ, तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। फेज लीड लैग में बता सकते हो, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो, कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ना आपको। चलो अब थोड़ा सा लोग प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये सर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है हमारा, हम लोग डायरेक्ट इसमें कुछ पॉइंट लिख ले क्या, सबसे अच्छा कुछ पॉइंट लिख ले कि हम लोग कैसे पढ़ लें इसको। चलो आप लोग बताओगे कैसे पढ़ना है इसका नोट्स, ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें कुछ है नहीं, तो आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है, आपको लिखने आना चाहिए। आपको कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको ट्रांसफर फंक्शन लिखने आना चाहिए। ये सर हमारा स्टेट वेरिएबल एनालिसिस का बात बात कर रहा हूँ मैं, इतना टॉपिक मिनिमम आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि दो टॉपिक के ऊपर, एक SFG और एक ब्लॉक डायग्राम और एक हमारा स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो आप बताओगे तीनों में से किसके ऊपर पहले वीडियो चाहिए, क्योंकि कल टाइम है दिन भर आपके पास, कमेंट करोगे, जो कमेंट करोगे उसके ही ऊपर वीडियो बनाएगा। देखो इसको न्यूमेरिकल्स नहीं कराए, बोलोगे तो करा भी देंगे, कुछ नहीं आसान है सर, नोट्स में भी लिखा हुआ है और एग्जाम्पल्स भी है, लेकिन ये जरूरी था, मैं आपको थोड़ा सा सोचा कि ओवरऑल आइडिया दे दूँ। तो चलो ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं। लीड लैग सॉरी कंट्रोलर में हमारा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और हमारा डेरिवेटिव, उसके बाद से PI यानी प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल, PD यानी कि प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव, PID प्रोपोर्शनल इंटीग्रेबल और डेरिवेटिव, तीनों हमारे इंटीग्रल और डेरिवेटिव तीनों हमारा मिला के तो पांच कॉम्बिनेशन बनता है। पांचों में बस इसका बारे में एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो थोड़ा सा एनालिसिस पूछ देगा कि सर किस मतलब क्या क्या होता है, फ़ायदा क्या होंगे, बस और कुछ भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो स्कोप कम है पूछने का, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पूछता है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता, तो एक बार देखोगे इसको, क्लियर है। चलिए तो हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए बताओगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले टाइम में साउंड आ रहा होगा क्योंकि लैपटॉप में चार्जर में रिमूव नहीं किया था, भूल गया था जल्दी जल्दी, मैं थोड़ा मैं भी ज़्यादा प्रेशर में आ गया हूँ आप लोगों के एग्जाम को लेकर के, ठीक है। चलिए तैयारी कीजिए अच्छे से, एग्ज़ाम दीजिए, थैंक यू।